हेलो एवरीवन, अगर कभी खाना बच जाता है तो उसे फेंकना बहुत ही बेकार लगता है। तो आज हम बची हुई रोटी से दो तरह का नाश्ता बनाएंगे जो झटपट बनकर के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमने चार रोटी ले लिया है और इसे तोड़ लेंगे। मैं इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लूँगी। आप चाहें तो हाथों से भी क्रम्बल कर सकते हैं। हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा मोटा ही रखना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून तेल को गरम कर लेंगे और इसमें 2 मुट्ठी मूंगफली के दाने डालेंगे। मूंगफली थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। जैसे ही मूंगफली चटक जाए, मतलब कि इसका मुंह खुल जाए, हम इसे निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में 1 टीस्पून जीरा डालकर हल्का क्रैकल होने देंगे। उसके बाद 3 हरी मिर्च हमने यहाँ पर लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1/2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना गाजर के भी बना सकते हैं, और थोड़े से करी पत्ता डालकर हल्का सॉफ्ट होने तक सारी चीज़ों को पका लेंगे। यहाँ पे 2 मिनट के बाद हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया है तो हम इसमें 1 टमाटर डाल देंगे और इसी के साथ थोड़ी सी हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ना हो तो आप इसमें मैगी मसाला या बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं। इसे हम ढक करके लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो थोड़ा जूसी हो जाए। इसके बाद हम इसमें क्रम्बल किया हुआ रोटी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर के तैयार होता है और बहुत जल्दी बन जाता है, तो जब भी रोटी बचे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे आपको रोटी जो है वो ज़्यादा सूखा सूखा लगे तो आप इसमें पानी के छींटे मार सकते हैं। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, नहीं तो रोटियाँ गल जाएगी। इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ मूंगफली के दाने और थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिया। मेरे पास बिल्कुल कम हरा धनिया था, उसी को हमने डाल दिया है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम गैस बंद कर देंगे और नींबू का रस डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसे हम मिक्स कर देंगे, बस हमारा नाश्ता बनकर के तैयार है। रोटी की दूसरी रेसिपी के लिए रोटी को हमें बिल्कुल बारीक पीसना है और इसमें 1/2 कप पिसा हुआ सूजी डालेंगे, जिसे रवा भी बोला जाता है। तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 4 चम्मच बारीक कटा हुआ बंद गोभी, 3 चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 टमाटर। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं या फिर स्वीट कॉर्न, जो भी सब्जी पास में हो आप इसमें डाल सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें बेसन डाल देंगे, जिससे कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और 3-4 चम्मच दही या फिर दही का पानी इसमें आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा हमने और डाल दिया है। और इसमें डालेंगे नींबू का रस, आप चाहें तो आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे गीला कर ली हूँ, जैसे कि प्याज के पकौड़े बनाते हैं उतना ही गीला रखना है। 5 मिनट रेस्ट के बाद हम इसे पका लेंगे। तो हमने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है और बैटर में से थोड़ा सा लेंगे और इसे ऐसे गोल करके डाल देंगे। आप चाहें तो उत्तपम जैसा बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन उलटने पलटने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और मीडियम आंच पे हम इसे पकाएंगे, बीच बीच में उलट पलट करते रहेंगे। अभी ये बढ़िया पक गया है तो हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।